हो जाएगी। हाँ रिकॉर्डिंग। हाँ जी थावर सिंह जी नाम है अपना। हाँ जी। अच्छा अच्छा तो आपने कौन सा बादल लगाया? मैंने साहब हनुमान 88 लगाया। कौन सी कंपनी का? हनुमान 88 सूझ भाई टिक का। हाँ सूझ भाई टिक का। अच्छा कैसा लगा? बहुत सुंदर साहब। अच्छा अच्छा और इसका फुटान कितने हैं? फुटान तो साहब मेरे खेत में तो पहली बात तो खाद बीज तो कुछ खाद तो है ही नहीं। अच्छा अच्छा खाद नहीं होने के कारण। नहीं खाद डाले इस खेत में कितना दिन है वो बताओ ना साहब। कम से कम 10-15 साल हो गई। 10-15 साल होगी। हाँ। और ना यूरिया दिया ना डीएपी दिया? नहीं कुछ नहीं दिया। अच्छा अच्छा और इसके फुटान कितने हैं? इसके फुटान कम से कम 8-10 फुट का फैड़ा है। नहीं ये तो फैड़ा है। हाँ। इसका हाइट है 10 फुट की तो। हाँ। पर फुटान कितने हैं? एक पेड़ में फुटान कितने वो बता रहा हूँ मैं, आप इनको बताओ। एक एक पेड़ में कम से कम 10 फुटान है। 10 फुटान। हाँ। और सिट्टे की लंबाई कितनी है? सिट्टे की लगभग लगभग कम से कम 1.5 फीट। 1.5 फीट। हाँ। और इस खेत में बजरी कड़ी हुई थी है? हाँ जी। पहले बजरी कड़ी हुई थी, अब आपने समतल किया पर खाद नहीं डाले बिल्कुल भी? खाद नहीं डाला। अच्छा अच्छा तो आप बाद है देखो बिल्कुल संतुष्ट हो? संतुष्ट है बिल्कुल। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और इससे जो ये हाईवे रोड निकल रहा है तो लोग देखते हैं भाई ये बाजरा कौन सा है? बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत खुश हो रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ जी। तो लोग कहते हैं ऐसा खेत का निखत्ता खेत भी इतना तगड़ा बाजरा हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। तो और कुछ कहना चाहते हो? नहीं कंपनी से हम यही कह रहे हैं बढ़िया से बढ़िया बीज हमको दे जाए और हमारा फसल उपजाऊ और जाते होती जाए बस। अच्छा अच्छा। और कुछ मतलब बिना पानी में होया है बिल्कुल? पानी थोड़ी दिया अपने इसमें? पानी नहीं दिया बिना पानी का ही है। बिना पानी बिना खाद। हाँ, जबकि भैंस 1.25 फुट का सिट्टा है। 1.25 फुट का सिट्टा है। बताओ इसमें क्या बीज में है बताओ मानी? नहीं, नहीं, क्यों साहब कोई कमी नहीं क्यों भाई साहब? आप ही बताओ ना आपके हाथ में कितने फेड़े हैं फुटाने वाले और कितने हाइट है? 5 फेड़े और बाकी का छोड़ रखा है। और छोड़ रखा है तो अगर अपने जमीन वहाँ होती अपने कुएं के ऊपर जो आप खाद डालते हो पानी देते हो की जमीन है ये वारंटी निखत्ती है? ये निखत्ती जमीन है बजरी काटी है बजरी काटी है। और अगर ये बाजरा अगर वहाँ लगाया होता तो उस खेत में क्या होता? चिट्टा भी। अच्छा अच्छा भी होती और ज्यादा फटान होती तो मतलब बाजरा सही आदमी इसने देख के यही सोचे कौन सी थैली है कौन सा बीज है। हाँ बढ़िया है ना। अब ले लो आपके पास 5-7 फुटान है सारे ऊपर सारे बराबर जा रहे हैं। बगल में छोड़ रखा ये। हाँ ये छोड़ रखा ये छोड़ रखे बगल में ये छोड़ रखा मतलब फिर सारे फुटान बराबर जा रहे हैं बराबर। अच्छा पायनर का में नहीं चढ़ रहे में बराबर चढ़ रहा है। अच्छा कौन सी में चढ़ी? पायनर की में भी फुटान नहीं चढ़े। अच्छा अच्छा उसमें भी रह जाते उसमें रह जाते हैं और एम नहीं रह रहा इसमें नहीं रह रहा कहीं में 5 है तो 6 है 10 है कुछ भी है सब बराबर चले सब बराबर। और देखो सिट्टा पग्गा कड़बी कैसी है? कड़बी हरी हरी झाग है कड़बी सिट्टा पग्गा पग्गा कहीं कोई चूक नहीं अभी हरा कलर में लीला भैया। हाँ बाद फटा हुआ देख लो दाना बहन लीला झड़क है बहुत बढ़िया मतलब झड़क भी बढ़िया आएगा। लोग बाग देख है ना डाट के मोटरसाइकिल सिफारिश करे सिफारिश कर दी रोड के सारे खेत ना इसलिए देखते यार देख बजरी उछोड़ा खेत है निखत्ता खेत है भैंस बहुत तगड़ा है। किसान से पूछे यार तू कहाँ से लाया तू भल्लो गरीब है तू बीज कैठा से लाया हम लावे और बीज आए वो भी कोई ने बीज नंबर 1 है साहब ये बीज नंबर 1 है ठीक है साहब। छोटे जमींदार है बेशक बीज बढ़िया दियो हमने बीज यही सब मैं नहीं दिया कंपनी का है सूरज भाई टेक का कंपनी तो है नहीं थमने हम तो आप जैसे सलाह दे सकते हैं साहब ये इस कंपनी बीज डालो हैं हमारा आपके काफी दिन हो संपर्क हुआ आज तक को धोखा हुआ बीज हमारे से वो तो कहीं भी हुआ तो रखने से संपर्क है सरपंच साहब आपके पिताजी जब से कोई धोखा पटित परिवार में ही नहीं था हम बिल्कुल बिल्कुल बीज में धोखा भी नहीं होने साहब ठीक है साहब आपने जो कंपनी के बारे में अच्छा सलाह उनके लिए धन्यवाद साहब ठीक है।